हम काफी गंभीर हैं इस मामले को लेकर, और हमने जो है वो ऊपर भी सेंटर में भी बात की है। वहां से हमें ये रिक्वायरमेंट आई है कि वो जो गायब हुए हैं कुवैत में उनका वहां पे मोबाइल नंबर हमें चाहिए, और वहां किस कंपनी में वो काम करते थे उसकी डिटेल्स भी चाहिए। और उसके साथ में ही आज मैंने उनके परिवार वालों से बात की कि वहां से कौन से मंत्रालय में जो है कुवैत के भी कहां किस कंपनी में जो है या किस एजेंसी में इस बात की कंप्लेन की गई है कि वो मिसिंग है, तो ये डिटेल जो है वो मुझे लाके दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं। तो एक बार हमें उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो उसकी से क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई में कुवैत में ही थे, नहीं तो वो हमेशा इंटरनेट कॉल ही करते थे। तो इस बात की कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कुवैत में ही थे या कहीं और थे, जहां तक अब मेरी परिवार से बात हुई है। और इस संबंध में जो है मैं उनसे मिलूंगी और देखूंगी आगे, जैसे ही मुझे डिटेल्स, क्योंकि मुझे मंत्रालय से जो है इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्ट्री ने मुझे जो है ये चीजों से रिक्वायरमेंट दी। मेरा भांजा धनदेव पुत्र लेट सुंदरलाल कुवैत में काम करने के लिए 10 साल से जाता था, तो अभी 8-9 महीने पहले भी वो गया था वहाँ, छुट्टी काटने के बाद चला गया था। और वहाँ उसने कंपनी से कोई पैसे लेने थे, उसने उसके कि उसने रुका हुआ था वहाँ, पहले कंपनी में काम किया उसके बाद वो पैसे लेने थे उसने, तो पैसे भी कंपनी दे नहीं रही थी, केस किया था कोर्ट में, कोर्ट फैसला हो गया था, कंपनी दे रही थी उसके लिए वहाँ रुका हुआ था। तो अभी 22 तारीख को उसका फोन आया, अभी बिल्डिंग जो जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ ये बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ साथ में ही आग लगी थी बिल्डिंग में, तो इस करके बिल्डिंग अनसेफ है, इसको खाली करवा रहे हैं और ये खाली हो जाएगी तो मैं घर आ जाऊंगा। तो उसको बोला तू टिकट भेज दो मुझे, टिकट भेज देते हैं, बताओ मुझे टिकट भेज देते हैं। 24 तारीख को उसको तो फिर फोन आया, अभी फिलहाल टिक जाओ 4-5 दिन ना, शायद कंपनी मुझे पैसा दे दे, तो और उसके बाद भी मैं ब्राउन पेपर में बताता हूँ आपको। फिर 25 तारीख को सवेरे बिल्डिंग खाली हुई, पैसा पता लगा और उसे हमें, और उसके बाद वो उसका फोन स्विच ऑफ है, 25 तारीख से फोन नहीं मिल रहा उसका। सांस जी ने बोला हम ट्राई कोशिश कर रहे हैं, हम विदेश मंत्रालय बात कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जो हम दे नहीं सकते उनको, बोल रहे हैं वहाँ फोन नंबर चाहिए, वहाँ का वो हमारे पास है नहीं, वहाँ का वो लोकल नंबर अलग होता है, यहाँ हमारा इंडिया का नंबर है उससे काम नहीं बनेगा, वहाँ वो व्हाट्सएप नंबर है, इंडिया वाला नंबर है वो, हम उसका बोलते हैं वहाँ का नंबर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। बाकी भी मैं बात कर रही हूँ, हमने डीसी साहब से मिले तो उन्होंने भी वो हमारी पुलिस वहाँ दिल्ली भेजी हुई है सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है इसके अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ को भेजी है उन्होंने पुलिस ने चली गई, और शिमला से भी सेक्रेटरी होम से वहाँ सेक्रेटरी गल्फ को भेजी गई थी, वहाँ पर कॉपियाँ पड़ी हुई है ये कहा अभी तक, पर वहाँ से आगे क्या हुआ हमें पता लग रहा है, तो हम बड़े चिंतित हैं, पूरा परिवार है, उसकी माँ है यहाँ, घरवाली दो लड़कियां हैं, जवान बेटा है, तो वही एक काम कमाने वाला, ये बड़े बहुत परेशानी हुई है, 25 तारीख से नहीं हो रहा है। ये मेरा बेटा वो जाता रहता था, वो कुवैत में करता था काम, पहले भी गया 3-4 साल पहले करता था, अब उसके पापा एक्सपायर हुए, फिर वो घर आया था 2-3 महीने का घर रहा, फिर उसके बाद वो गया दोबारा ऐसा गया, अभी उसको पीछे कंपनी से पैसा भी लेना था, तो बोलता है मैं पैसा भी ले लूंगा, केस किया था, फिर वहाँ उसको बुलाया वकील ने, तो वो गया वहाँ, अब 2-4-5 महीने वहाँ पर करता रहा इंतजार, अभी वो केस चला हुआ है, तो अब पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्डिंग वगैरह वहाँ क्या जल गई, तो उसके मामले में फिर वो रहता था वहाँ क्वार्टर में, तो फिर बोल रहा उसने भी ऐसा हुआ है यहाँ पर, तो ये निकाल रहे हैं हमको यहाँ से, तो देखो फिर मैं 2-4 दिन को मैं पता दूंगा आपको आ जाऊंगा, बस 25 तारीख के बाद फिर उसको निकाल दिया होगा उन्होंने, फिर उसका फोन बंद है ना, आ रहा है ना कुछ नहीं होगा, बहुत परेशान है बेटियाँ, इतने जवान है इनको देखो, उसके सिर के ऊपर वही एक सन्मात्र सहारा ये बेटा मेरा, एक से गायब है किसकी वो उसने नहीं है ना खा लेती ना पीने की इतनी, अब पता नहीं कहा ना को फोन आ Thank you.
Thank you.